क्या मैं हिंदी मीडियम से वकील बन सकता हूँ? कैन आई बिकम ए लॉयर थ्रू हिंदी मीडियम? दोस्तों, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के मन में अक्सर इस तरह के सवाल क्वेश्चन उत्पन्न होते रहते हैं। इस तरह के सवाल उत्पन्न होना भी जायज़ ही है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम अंग्रेजी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी मीडियम के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए दिनों दिन देश में हिंदी मीडियम के लिए भी कई पाठ्यक्रम उपलब्ध किए जा रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं और आप वकील बनना चाहते हैं, मतलब कि एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आप वकील बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कैन बी स्टडी ला थ्रू हिंदी मीडियम, कैन बी डू LLB फ्रॉम हिंदी मीडियम, इन सभी के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें एक व्लॉग चैनल के लिंक दे रहा हूँ। उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 शेयर करने की कोशिश करिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर कुछ व्यक्तित्व है तो करिए ज़रूर। ओके, हिंदी मीडियम से ला की पढ़ाई कैसे करें? देश में ऐसे कई लॉ कॉलेज हैं जहां आप हिंदी मीडियम से ला की पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हीं कॉलेजों से आप ला की कोर्स LLB कर सकते हैं। ला की पढ़ाई करने के लिए ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है, केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही ला कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो आप सोच रहे हो कि केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही ला की कोर्सेज कर सकते हैं, इंग्लिश 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 बवाल मचाती हो। अगर आपकी हिंदी में पकड़ बेहतर है तो आप हिंदी मीडियम में भी LLB कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों में ला एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। अब आप लोग जान चुके होंगे कि हिंदी मीडियम में भी से भी लॉयर बन सकते हैं, हिंदी मीडियम से भी LLB कोर्स कर सकते हैं या ला की पढ़ाई कर सकते हैं। नीचे कुछ कॉलेजों की सूची दे रहा हूँ मैं, आप जाओ देखो वहाँ कि आपके एडमिशन हो रहा है या नहीं और आप कर सकते हो। जैसे हो गया BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, विधि संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन सभी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा भी बहुत सी रेगुलर और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ला की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की जा सकती है और ला की डिग्री हासिल की जा सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ला की पढ़ाई रेगुलर यूनिवर्सिटी से करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके कई फायदे हैं। इसके अलावा ला इंग्लिश मीडियम से करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अधिकांश ला की किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जिसके लिए ला की बेहतर पढ़ाई की जा सकती है। ला को अच्छा से समझा जा सकता है, मतलब उसके बारे में गहरी नॉलेज ली जा सकती है। क्या आपके ऐसे सवाल होते हैं, क्या 12वीं के बाद ला की पढ़ाई शुरू की जा सकती है? जी हाँ, 12वीं के बाद ला की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। अगर आप 12वीं के बाद ला की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको 5 साल का LLB कोर्स करना होगा। आर्ट, कॉमर्स या साइंस से यदि आप 12वीं पास करते हैं तो आपको उसके बाद 5 साल के लिए ला कोर्स कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको BA LLB 5 साल की जो होती है, BSc LLB 5 ईयर्स की होती है, BBA LLB जो भी 5 ईयर्स की होती है, BCOM LLB 5 ईयर्स होती है, इसको कर सकते हैं। आपको 12वीं के बाद 5 साल का ही ला कोर्स करना होगा, क्योंकि वर्तमान में 12वीं पास के लिए इससे कम साल का ला कोर्स उपलब्ध नहीं है। इन 5 साल में आपको ला के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ सिखाया जाता है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका होता है, ला की पढ़ाई 12वीं के बाद शुरू करना अच्छा होता है या ग्रेजुएशन के बाद? एक्सपर्ट के मुताबिक माने तो ला की पढ़ाई 12वीं के बाद शुरू करना अच्छा होता है, क्योंकि 12वीं के बाद आपको 5 साल तक ला की पढ़ाई करने का मौका मिलता है, जबकि ग्रेजुएशन के बाद आप केवल 3 साल ला की पढ़ाई कर पाते हैं, उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका होता है, एक अच्छा वकील बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ला में करियर बनाने के लिए एक अच्छा वकील के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जो व्यक्ति ला में करियर बनाना चाहता है उसका दिमाग हमेशा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है मजाक कर रहा हूँ, वह बोलने में काफ़ी माहिर होना चाहिए। व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, उसकी याददाश्त बहुत ही तेज होनी चाहिए। भुलक्कड़ के लिए इसमें करियर नहीं है, नहीं तो आप आज कुछ याद करो कल भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं। व्यक्ति में त्वरित प्रतिक्रिया देने का समर्थ होना चाहिए। व्यक्ति को कानूनी पहलुओं की काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से बातें सुनने का धैर्य और बेहतर तरीके से जवाब देने का हुनर होना चाहिए। उसमें सही गलत
या सबूतों की खोज करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति मुश्किलों का सामना हिम्मत से करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब कोई कोई केस आपको ज़्यादा मिल जाता है, जो ज़्यादा टॉप हो जाता है, तो उसमें आपको हिम्मत जरूर रखनी चाहिए। उसमें सोचने समझने की एवं सही गलत को परखने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका यह होता है कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो लॉ के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग निम्नलिखित लॉ का होता है। कर कानून जैसे टैक्स लॉ, साइबर लॉ, कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट अटॉर्नी जिसे बोलते हैं पेटेंट अटॉर्नी, बैंकिंग कानून बैंकिंग लॉ, फौजदारी कानून क्रिमिनल लॉ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ज़्यादा आजकल फौजदारी होती है। तो अगला क्वेश्चन आपका होता है लॉ की पढ़ाई करने के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। वैसे तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए देश में कई अच्छे कॉलेज शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनमें से 10 सबसे बेस्ट कॉलेज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु में जो है, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NALSAR हैदराबाद में है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे में है, और फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, क्राइस्ट कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु में है, ILS लॉ कॉलेज पुणे में है, भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज पुणे में है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। तो उसके बाद 6th क्वेश्चन आपका होता है कि 12वीं के बाद लॉ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, 12वीं के बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन CLAT के जरिए लिया जा सकता है, जिसे बोलते हैं क्लैट, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा। यह एक विधि परीक्षा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लैट का आयोजन LLB और LLM जैसे लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाती है। इसके बाद 7th क्वेश्चन आपका होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसमें आपके जो कम से कम अंक हो, मतलब जो आपके परसेंटेज हो, वो आपके 40% से अधिक हो, मतलब 50 मानिए 50% से आपके अधिक होने चाहिए। जो SC ST के हैं उनके लिए छूट भी है। 8th क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन है, भारत में CLAT एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, आंसर है भारत में CLAT एग्जाम सेंटर निम्नलिखित स्थानों पे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलाहाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, एर्नाकुलम, गांधीनगर, गुरुग्राम, हिसार, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, पटियाला, पुणे, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, औरंगाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, पटना, रायपुर, शिमला, त्रिची, वाराणसी, विशाखापट्टनम। आप नोट भी कर सकते हो इसको। उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि CLAT परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। तो पात्र उम्मीदवार CLAT एग्जाम 20 मतलब कि 2021 या 2022 एग्जाम के लिए सिलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट को आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ, COONSORTIUMOFNLUS.ac.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेबसाइट पर दिए गए रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करें, फिर उसके बाद रजिस्टर कर लॉगिन जनरेट करें, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, फिर फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका, LLB की डिग्री कोर्स करने के बाद नौकरी कहाँ पर मिलेगी। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। LLB डिग्री कोर्स करने के बाद आप किसी सरकारी एजेंसी, निजी कंपनी, बैंक, किसी लॉ फर्म में एसोसिएट की नौकरी के लिए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ कमेंट आए थे, उनके जो इंग्लिश में आए थे उनके मैं जवाब इसी में दे दे रहा हूँ। कैन बी डू LLB इन हिंदी? यस यू कैन। इज देयर ए हिंदी मीडियम लॉ कॉलेज इन इंडिया? हाँ, बहुत सारे हैं। यस देयर आर मेनी कॉलेजेस। विच इज द बेस्ट हिंदी मीडियम यूनिवर्सिटी फॉर लॉ? इन फिर मैं जो पूरी डिटेल है इसके बारे में मैं ऊपर वीडियो में दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। ओके, कैन आई बिकम ए गुड लॉयर थ्रू हिंदी मीडियम? यस, बट यू शुड ट्राई टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एज वेल।
इंग्लिश ज़रूरी है, आपको इंग्लिश स्ट्रांग फिर भी करना पड़ेगा। ओके, कैन आई बिकम ए गुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर लॉ बुक्स अवेलेबल हिंदी? हाँ यस, अवेलेबल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक है उनको आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। व्हिच मीडियम इज बेटर फॉर लॉ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ये अधिकतर जो लॉ बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जो आपको समझ में आएंगी वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ओके, कैन आई टेक लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन हिंदी? यस, इन वेरी फ्यू कॉलेजेस, बहुत कम कॉलेज हैं जिसमें आप इसको एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं जो ब्लॉग चैनल की लिंक दिया हूँ उसको जाइए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कम से कम 5 फ्रेंड्स के तक पहुँचाने का मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। ओके, वकील बन रहे हो इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताइए कि आपके रिश्तेदार में कोई वकील है, और नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल वाले आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लेना। इससे यह होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि आपके आंतरिक डेवलपमेंट के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है UPSC 1, 2, 3 के नाम से, खासकर UPSC के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, आप जाके देख सकते हो और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो जाओ देखो, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।